नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने यहाँ मौजूद सभी अफगानी रेफ्यूजियों को निकाले जाने का आदेश दे दिया है। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर थी। पाकिस्तान के इस फैसले से लाखों अफगानी रेफ्यूजियों को का जो जीवन है वो खतरे में पड़ गया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, उसने ये कदम उठाया क्यों है। पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को निकालने के जो अभियान जो उन्होंने शुरू किया है उसके तहत रविवार को 6500 यानी कि 6500 से अधिक और अफगानिस्तानी नागरिकों ने तोरखम सीमा के रास्ते देश छोड़ दिया। देखिए, पाकिस्तान तमाम उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जो इलीगल रह रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट को अब आगे हम समझेंगे कि ये अफगानी ही सबसे ज़्यादा टारगेट में क्यों है। देखिए, पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान नागरिकों की कुल संख्या अब 1,70,000 से ऊपर हो चुकी है। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार का कहना है कि उनके इस फैसले का मकसद किसी देश को निशाना बनाना नहीं है, न ही फैसला किसी खास नेशनलिटी या राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजियों की संख्या बताती है कि इस फैसले से उन्हें ही निशाना बनाया गया है, क्योंकि जितने भी लोग जा रहे हैं वो सब अफगानी ही हैं और टारगेटेड अगर आप देखोगे तो बिल्कुल टारगेट किया गया है अफगानी नागरिकों को। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आगे आप समझिए वीडियो में कि 2021 में काबुल में तालिबान के दोबारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद कम से कम 6,00,000 अफगानी पाकिस्तान भागकर आ गए थे। 1980 के दशक में भी कुछ और लोग सोवियत मिलिट्री के हस्तक्षेप के समय पाकिस्तान आ बसे थे। पाकिस्तान के इस फैसले में कहा गया या तो वो खुद चले जाए वरना उन्हें निकालने के लिए सरकार जोर लगाएगी। पाकिस्तान छोड़ रहे इन नागरिकों के रहने के लिए तालिबान ने शिविर भी स्थापित किए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनके रहने की कोई समूची व्यवस्था नहीं है, आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही शिविर में न ही खाने पीने और न ही बिजली की कोई खास सुविधा है, मतलब सुविधा क्या, बिजली है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और सहायता समूह ने अफगानिस्तान में आने वाले हजारों लोगों के लिए शिविर स्थापित कर रहा है। इन शिविरों में नागरिकों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं ताकि यहां आने वाले लोगों को रहने में कोई परेशानी ना हो, ताकि बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम मिल सके, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए और रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा अब आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। पाकिस्तान जहां नेशनल इलेक्शन जनवरी में होने वाले हैं वो बढ़ती महंगाई, पेमेंट क्राइसिस और पैसे के गिरते मूल्य से जूझ रहा है। लेकिन इन मुश्किल का हल 17,00,000 लोगों को निकाल देने से नहीं होगा। पाकिस्तान जिन मुश्किलों से जूझ रहा है उनमें से ज़्यादातर की जिम्मेदारी उसकी सरकार की है, जबकि इसकी मिलिट्री और सिटीजनशिप ने सत्ता को खेल खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और एक दूसरे को मात देने, अधिकतम शक्तियां अपने हाथों में लेने की कोशिश की है, जिससे कि इकोनॉमी का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान सोच रहा है कि इन अफगानियों को निकाल कर वो अपनी इकोनॉमी को सुधार लेगा, महंगाई को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन नहीं। पाकिस्तान में बढ़ता करप्शन, यहाँ तक कि उनकी आर्मी और सरकार के बीच चलते मतभेद के चलते पाकिस्तान जो है अब गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। और जितनी भी मुश्किलें हैं वो पाकिस्तान की अपनी मुश्किलें हैं, किसी के आने और किसी के जाने से उन मुश्किलों का समाधान होता फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है कि अफगानियों को निकाल कर पाकिस्तान सुधर जाएगा या उसकी इकोनॉमी सुधर जाएगी? कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।